नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी कंपनी में। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ABEL का हाई डंप लोडर अटैचमेंट, जो कि जॉन डियर 5405, ये लगभग 63 HP का ट्रैक्टर है जिस पे ये हाई डंप लोडर लगाया गया है। ये टोटल छः सिलेंडर का लोडर है दोस्तों। दो लिफ्ट, दो टिल्ट और दो इसमें हाई डंप बकेट सिलेंडर लगे हुए हैं, तो इसकी हाइट जो है 14 फुट हो जाती है। अगर ये बकेट कस्टमर नहीं लेता है तो हाइट रहती है लगभग 12 फुट। ये ABEL के ब्रांड के साथ मिलेगा, बहुत ही मजबूत ट्रैक्टर है ये। ये हाइट डंप बकेट अगर आप नहीं लगवाएंगे तो हाइट रह जाती है लगभग 12 फुट। हाइट डंप बकेट लगाने से इसकी हाइट बढ़ जाती है। ये जो क्रेडल होता है, ये क्रेडल, इससे हाइट बढ़ जाती है। इसमें दो जैक लगते हैं एक्स्ट्रा, और इन दो जैक को चलाने के लिए एक लीवर भी एक्स्ट्रा लगता है। जैसे ये एक लीवर इसमें एक्स्ट्रा लगाया गया, तो ये दो जैक एक्स्ट्रा खोलने के लिए, तो ये हाइट डंप बकेट को खोलने के लिए है। अब बात करेंगे इसके इसमें लगे हुए टायर की। इसमें आगे टायर है 11.24 MRF के टायर लगे हुए हैं। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है ये देखिए, फोर व्हील ड्राइव। और पिछला टायर है इसमें 16930, मतलब 16928 से बड़ा टायर है इसमें 16930। तो टायर दोनों बड़े हैं, तो इस बड़े टायर की वजह से हमने इसमें चैसिस और बड़ी बनाई है। इसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है। ये चैसी पूरी ऊपर से उठ के बनी है क्योंकि टायर बहुत बड़ा था। ये टायर इसमें टच ना करे, इसलिए चैसी के फ्रंट माउंटिंग प्लेट को उठा के लाए हैं ऊपर। और ये 20 mm मोटी प्लेट में बनाया गया है। बहुत हैवी ड्यूटी चीज़ है ये। इसमें एक चैसी और आती है, वो स्ट्रेट बनती है। वो स्ट्रेट चैसी में थोड़ा खर्चा कम आता है, लेकिन फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में क्योंकि टायर बड़े थे इसमें 11.24 के, तो फिर हमें ये चैसिस बनानी पड़ी। आगे फ्रंट में पंप लगा हुआ है, ये हाइड्रोलिक पंप है जो कि ऑप्शनल है। ये हाइड्रोलिक सिलेंडर्स हैं, हैवी ड्यूटी पिन है दोस्तों। और अब बात करेंगे इसकी पिलर की। पिलर बड़े होने से इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त आती है। ये 15 इंची के पिलर हैं इसमें, तो ये मान के चलिए 1200 kg लिफ्टिंग कैपेसिटी का लोडर है। एक्स्ट्रा सपोर्ट दी गई है, ये सपोर्ट ना लगने से थोड़ा सा लिफ्टिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो फिर ये उठाता है लगभग 1050 kg। अगर ये सपोर्ट हम एक्स्ट्रा लगा देंगे, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट लगाने से इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये देखिए, पीछे काउंटरवेट बॉक्स है, इसमें जेट टाइप चेसिस है। ये टैंक है पीछे, ये काउंटरवेट बॉक्स है। चेसिस को उठा के बनाया गया है, इसमें चेसिस को उठा के बनाया गया ताकि अगर कोई गाड़ी बैक करे, पीछे ट्रैक्टर बैक करे, तो ये बॉक्स ना फूटे। ये जेट टाइप चेसिस बोलते हैं इसको हम। पीछे टैंक लगाया गया, टैंक आगे भी आता है पीछे भी आता है, ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। वो देखना पड़ता है कि टैंक आगे लगेगा या पीछे लगेगा। ये 15 इंच के पिलर के साथ सारे कंपनी के नट बोल्ट दिए गए हैं, सब कंपनी के नट बोल्ट हैं। अभी इसकी थिकनेस की बात करें तो ये 20 mm ये है, 20 ये है, तो टोटल 40 हो गया। ये एक्स्ट्रा सपोर्ट 1, 2,
तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच सपोर्ट दी गई हैं। ये एक्स्ट्रा सपोर्ट से लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, 1200 केजी लिफ्टिंग कैपेसिटी हो जाती है। अब लोड ड्रम की बात करें तो ये देखिए, ये 25 mm मोटी प्लेट दी गई है, 25 mm मोटी प्लेट। ये कोई भी लोकल मैन्युफैक्चर नहीं देता है, ये हमारी कंपनी लगा के देती है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ तक उसके अंदर। अब एक्स्ट्रा प्लेट की सपोर्ट लगाई गई है, पूरी सपोर्ट यहाँ लगाई है, वहाँ लगाई है, सारी हैवी लिंक है, सब हैवी लिंक में। ये नई डी टाइप लिंक कंपनी ने लॉन्च करी है, अब ये लग रही है, ये ज़्यादा हैवी ड्यूटी है, इसमें लिफ्टिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा आती है। ये फ्रंट बकेट हो गया, थैंक यू वेरी मच। अंत में सभी से ये विनती है कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आशीर्वाद के रूप में सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और मित्रों संग शेयर जरूर करें। आपको ऐसे बेहतरीन वीडियो बार बार मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद दोस्तों।